हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डॉक्टर राजेश वर्मा के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो का हमारा विषय रहेगा मादक द्रव्यों का सेवन एक परिचय। शुरुआत करते हैं अर्थ एवं परिभाषा से। मादक द्रव्य या जो नशीली दवाएं हैं उनका दुरुपयोग, उसका अर्थ क्या होता है? मुख्य रूप से दो प्रकार के सब्सटेंस या मादक द्रव्य उपलब्ध हैं। एक तो वो जो लीगली हम उनको खरीद सकते हैं, एक वो जो असंवैधानिक है, इलीगल है। तो अब आपके मन में प्रश्न ये आएगा कि जो लीगल है उसको अगर हम खरीद सकते हैं, उसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, तो मादक द्रव्य की श्रेणी में कैसे आएंगे? वो मादक द्रव्यों की श्रेणी में तब आएंगे जब उनका हम जरूरत से ज्यादा अत्यधिक उपयोग करना शुरू कर देंगे। उनको हम एक दवा के रूप में न लेकर एक नशे की वस्तु के रूप में अगर हम प्रयोग करना शुरू कर देंगे तो वो सारे के सारे सब्सटेंसेस नशीली दवाओं की श्रेणी में आ जाते हैं। आप इस बात को समझिए। अवैध पदार्थ या दवाओं का सेवन और जो निर्धारित दवाएं हैं उनके साथ साथ शराब का भी अत्यधिक सेवन, इसे हम कहते हैं मादक द्रव्यों का सेवन या अंग्रेजी में हम कहते हैं सब्सटेंस अब्यूज। अंग्रेजी का शब्द अब्यूज बहुत ही अद्भुत है, मतलब उसका अत्यधिक यूज। अब अल्कोहल है, शराब है, हर जगह उपलब्ध है, उसको नशे के तौर पर और उस हद तक पीने लगे कि शराब व्यक्ति को पीने लगे तो वो मादक द्रव्यों के सेवन के कैटेगरी में आती है। अब नेशनल हेल्थ पोर्टल ऑफ इंडिया भी करीब करीब यही बात कहता है। उनके अनुसार शराब, अवैध दवाओं और मनोसक्रिय पदार्थों का हानिकारक या खतरनाक स्तर तक का उपयोग करना नशा कहलाता है। अभी मनोसक्रिय क्या होते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं साइको एक्टिव ड्रग्स, मतलब वो दवाएं, वो नशीले पदार्थ जो व्यक्ति को मानसिक रूप से सक्रिय कर देते हैं, तो वो उसकी सारी की सारी वस्तुएं आती हैं नशीले पदार्थों में और उनका अत्यधिक सेवन नशा कहलाता है। अब प्रकाश डालते हैं हम इसकी कुछ मुख्य मुख्य विशेषताओं पर। जो नशे की वस्तुएं हैं या पदार्थ हैं ये क्या करते हैं? जो मस्तिष्क में पाए जाने वाले जितने भी हमारे रसायन हैं उनमें परिवर्तन कर देते हैं। कि रसायन कितना रिलीज होगा, किस प्रक्रिया में, उसमें परिवर्तन कर देंगे। उसकी जो प्रकृति है, उसकी जो प्रवृत्ति है रसायन की, उसमें परिवर्तन कर देंगे। उसकी मात्रा कितनी है उसमें परिवर्तन कर देंगे। और ये परिवर्तन खतरनाक रूप से एक करीब करीब इरिवर्सिबल होता है, अपरिवर्तनीय होता है। एक बार ये परिवर्तन हो गया तो बहुत ही मुश्किल है इसको सामान्य स्थिति में लाना। ये पदार्थ व्यक्ति के व्यवहार में और मानसिक स्वास्थ्य में भी सार्थक बदलाव कर देते हैं, क्योंकि जब मस्तिष्क के रसायनों में ही परिवर्तन हो जाएगा तो हमारा व्यवहार भी उन रसायनों पर कुछ हद तक आधारित है। तो जाहिर सी बात है व्यवहार का पैटर्न भी बदल जाएगा और मानसिक स्वास्थ्य की प्रक्रिया है वो भी बदल जाएगी। बदलने का मतलब ये नहीं है कि मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, यानी कि और बिगड़ता जाता है, खराब होता जाता है। ये पदार्थ व्यक्ति की अपने ऊपर निर्भरता को बढ़ा देते हैं। अपने ऊपर का मतलब क्या है? व्यक्ति उन पदार्थों पर पूर्ण रूप से निर्भर हो जाता है। एक पल, एक क्षण भी व्यक्ति इन पदार्थों को लिए बिना नहीं रह सकता। अर्थात ये पदार्थ इतने चालाक होते हैं कि व्यक्ति को तुरंत अपने प्रभाव में ले लेते हैं और
इससे छूटना करीब करीब असंभव होता है और मुख्य रूप से ये पदार्थ व्यक्ति का जो जीवन स्तर है उसको तो घटाता ही घटाते हैं, साथ में जीवन की डोर को भी छोटा कर देते हैं। नशे की वस्तुएं एक बार अगर व्यक्ति ले लेता है तो वे व्यक्ति के अंदर एक इंटरनल स्ट्रोंग डिजायर, जिसको अंग्रेजी में क्रेविंग कहते हैं, ऐसी एक गहरी इच्छा उत्पन्न कर देते हैं कि व्यक्ति बिना डोर, बिना सोचे समझे, अचेतन रूप से इनकी ओर बढ़ चलता है। वो अपने आप को रोकना भी चाहे तो लगभग उसके लिए असंभव होता है। जीवन की परिभाषा है मां की कोख से चिता तक का सफर, और ये पदार्थ नशीले वस्तुएं उस सफर को बहुत जल्दी ही पूरा करने में योगदान देते हैं, अर्थात मृत्यु दर को ये बढ़ा देते हैं, साथ साथ में व्यक्ति के अंदर और दूसरी बीमारियों को भी इनवाइट कर लेते हैं, यानी कि रुग्णता की स्थिति को ये बढ़ा देते हैं और जीवन की डोर को ये काट देते हैं। एक बहुत ही कमाल की इनकी विशेषता होती है कि ना तो इनमें किसी प्रकार की कोई गंध आती, कोई खुशबू नहीं आती, ना ही इनका कोई स्वाद होता, और करीब करीब इनका कोई रंग भी नहीं होता। अब देखिए, ये इस प्रकार के हैं कि आपकी इंद्रियां इन्हें रजिस्ट नहीं कर पाती। उदाहरण के लिए देखिए, आप अगर किसी पदार्थ में बहुत गंदी अगर बदबू आती है तो व्यक्ति उस पदार्थ को कंज्यूम नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारी सूंघने की क्षमता है वो इंद्री उसको कंज्यूम करने से पहले ही रोक देगी। या अगर किसी पदार्थ का जो स्वाद है वो बहुत ही खराब है तो व्यक्ति उसको खाने से परहेज करेगा, क्योंकि हमारी जिह्वा है उसको खाने में एक अड़चन पैदा करेगी। इसका परिणाम क्या होगा कि व्यक्ति उनको कंज्यूम नहीं कर पाएगा। लेकिन कमाल की बात तो देखो ना, ऐसा है कि इनमें कोई स्वाद ही नहीं होता, तो आपकी जीभ भी कुछ नहीं बता पाती, ना इनके अंदर कोई खुशबू होती है, कोई गंध भी नहीं होती, आपका नाक कुछ पता ही चल पाता, ना कोई रंग होता है इनका। मान लीजिए रंग ही कोई इस प्रकार का हो कि जो व्यक्ति को पसंद ना आए, तो ऐसा है कि आपकी इंद्रियां भी मजबूर हो जाती हैं कि वो इनके बारे में शरीर को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दे पाती, और परिणाम ये होता है कि व्यक्ति इनको इस्तेमाल करता चला जाता है और अंत में उस ब्लैक होल में, मैं तो ब्लैक होल कहता हूं नशे को, गिर जाता है, जहां से आज तक लौट कर बहुत ही कम लोग आए हैं या कोई आता ही नहीं है। और भी बहुत सारी इसकी विशेषताएं हैं, एक और बता देता हूं। यह पदार्थ व्यक्ति के अंदर मति भ्रम, उसके बाद विभ्रम, इल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस पैदा कर देते हैं। चलो इल्यूजन और डिल्यूजन वो तो काम चल जाए, हेलुसिनेशन तो बहुत ही खतरनाक है। होते क्या है ये, बिना किसी उद्दीपक के, बिना किसी घटना के व्यक्ति कुछ ना कुछ प्रत्यक्षण करता रहता है, कोई पास में है भी नहीं, आसपास में उसको कुछ ना कुछ दिखाई देने लगेगा, अजीब सा दिखाई देने लगेगा, अजीब सी आवाजें उसको आने लगेंगी, इसको बोलते हैं हेलुसिनेशंस। और यही पदार्थ व्यक्ति के अंदर हेलुसिनेशन को जन्म दे देते हैं, जिसका परिणाम क्या होता है, उसका व्यवहार बदल जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, कोई उसको पास नहीं फटकने देगा, वो और नशे की हालत में इधर उधर भटकता है, और उस गड्ढे की गहराई में, यूं समझ लीजिए गर्त में धंसता चला जाता है। कितने खतरनाक है ना ये प्रोडक्ट, पर कमाल की बात यह है कि इंसान इनको खूब इस्तेमाल करता है और अपने ही जीवन को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने पर तुला हुआ है। अब ये पदार्थ होते कौन कौन से हैं भाई?
ऐसे कौन से हैं? देखिए, नेचर ने, प्रकृति ने अगर हमें ये पदार्थ दिए हैं तो वो नशे के लिए नहीं दिए हैं। कोई जानवर इनको खाकर नशा नहीं करता है, कोई पक्षी इनको खा के नशा नहीं करता है, केवल इंसान ही है जिसके पास चेतना है वही इनको नशे के रूप में उपयोग करता है। प्रकृति ने ये हमें अपनी बीमारियों के इलाज के लिए दवाओं के रूप में हमें उपलब्ध करवाए हैं। पर है कौन कौन से वो? आप देखिए, शराब हर जगह मिलेगी, अगर दवा के रूप में लेते हैं तो बहुत ही काम की चीज है, और अगर इसको आप नशे के रूप में लेते हैं तो बड़े बड़े घर बर्बाद हो गए हैं। फिर है कोकीन, कैनाबिस, एलएसडी, लिसर्जिक एसिड, डाइथैलेमाइड, बड़े लोग मजे से इसका इस्तेमाल करते हैं, कुछ दिन तो मजा आता है, उसके बाद मृत्यु का निमंत्रण स्वाभाविक रूप से और स्वायत्त रूप से आपके पास आ जाता है। हेलुसिनेशंस, हेलुसिनेशंस क्या होते हैं? जो व्यक्ति के अंदर हेलुसिनेशंस प्रोड्यूस करते हैं, मति भ्रम उत्पन्न कर देते हैं, लोग उसको बड़ा मजे से लेते हैं क्योंकि शुरू शुरू में तो खूब मजा आता है, बाद में वो मजा लेता है कौन? नशे का पदार्थ। और परम आनंद एक ड्रग होती है, एक्सटेसी ड्रग बोलते हैं जिसको, जो कि खास करके रेव पार्टीज में इस्तेमाल की जाती है। और रेव पार्टीज करता कौन है? कोई सामान्य नागरिक नहीं करता है, जो सो कॉल्ड, जिसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हाई होता है, पैसे वाले लोग हैं, क्योंकि सारी जरूरतें उनकी पूरी हो जाती हैं, तो कहाँ जाएंगे फिर वो? नशे की तरफ, रेव पार्टीज में, जहां पर हेलुसिनेजेंस इस्तेमाल किए जाते हैं। याद रखना, ये अवैध होते हैं, इलीगल होते हैं, लेकिन फिर भी इस्तेमाल होता है, कहीं ना कहीं तो मिली भगत है ना, किसकी कहने की जरूरत नहीं है। जो पैसे वाले लोग हैं सारे आपस में कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, और फिर वो एक दूसरे को सप्लाई करते हैं, और फिर पार्टी करते हैं, और फिर आगे मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अगला पदार्थ है ओपिएट्स, जैसे हेरोइन, स्मैक, ब्राउन शुगर, खूब मिलती है, खूब लोग इस्तेमाल करते हैं और खूब मरते भी हैं। फार्मास्यूटिकल ओपियोइड्स, कुछ अजीब अजीब से नाम है। देखिए, ब्यूप्रोनेफ्रिन, पेंटाजोसाइन और डेक्स्ट्रो प्रोपोक्सिफिन, बड़े टिपिकल से नाम है, लेकिन ये फार्मास्यूटिकल ओपियोइड्स हैं। मतलब जो फार्मा कंपनीज हैं, जो दवाई बनाने वाली कंपनी हैं, वो इनको दवाइयों में इस्तेमाल करती हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जब इसको लोग नशे के रूप में इस्तेमाल करने लगते हैं तो ये खतरनाक हो जाता है। कुछ ऐसी दवाई हैं जो कि दवाइयों की दुकान से हमें मिलती हैं, लेकिन वो तभी मिलती हैं जब डॉक्टर उसको लिख कर देता है, लेकिन लोग भी इतने चालाक हैं कि उस प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन को भी नशे के रूप में लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो मिलती कैसे है उनको? बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मिल नहीं सकती, मिलती है, पैसे का लालच है, किसे? दवाई बेचने वाले को भी, और हो सकता है कुछ डॉक्टर को भी जिसे प्रिस्क्राइब करवा रहे हैं। मैं नहीं कह सकता कि कौन करता है, लेकिन अगर ये उपलब्ध है, अगर लोग इनका इस्तेमाल करते हैं नशे के रूप में, तो कहीं ना कहीं तो वीक लिंक है, कहीं ना कहीं तो कोई जुगाड़ है। मरिजुआना, हशीश, गांजा, भांग, सब उपलब्ध है आसानी से, खूब मिलता लोगों को, खूब मरते हैं लोग, खूब उजड़ते हैं घर, खूब बच्चे होते हैं अनाथ, और बहुत सी माताओं की गोदें भी सूनी होती हैं इन पदार्थों से। और भी बहुत सारे हैं, इनहेलेंट्स होते हैं, सूंघते हैं लोग जिन्हें, जैसे पेट्रोल है, पेंट थिनर है, और भी कई प्रकार के ऐसे इनहेलेंट्स होते हैं जिनको सूंघ करके लोग नशा करते हैं। मैंने सुना है लोग आयोडेक्स, एक जो पेन रिलीफ नाम की दवाई आया करती थी पहले, ब्रेड पर लगाकर उसको खाते थे नशे के लिए। मैंने यहां तक सुना है कि लोग छिपकली को मार करके उसको चिलम के ऊपर रख करके नशे के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। कितने क्रूर है ना लोग, दोनों तरफ से, अपने शरीर के लिए भी क्रूर है, समाज के लिए भी क्रूर है, और
बेजुबान जानवरों के लिए भी क्रूर है। मात्र कुछ समय के लिए, एक टेम्परेरी रूप से मजा लेने के लिए। और यहां पर हम बात करते हैं कुछ लक्षणों की। कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति नशे में झूम रहा है? सबसे पहली बात, वो जब भोजन करेगा, अनियंत्रित भोजन करेगा, अगर करेगा भी तो, और अत्यधिक भोजन करेगा, अनकंट्रोल्ड एंड बिंज ईटिंग। अगर वो हंसना शुरू हो गया तो हंसी पर उसका कोई कंट्रोल या नियंत्रण नहीं रहेगा, लगातार हंसता ही जाएगा। आवाज अगर उसकी होगी, मंद होगी, सुस्त हो, बिल्कुल धीमी होगी, और कई बार तो ऐसे शब्दों का वो इस्तेमाल करेगा जिसका अर्थ हमें समझ में नहीं आएगा, और स्थिति के अनुरूप शब्द भी उचित नहीं होंगे। वैसे ही प्रभाव के लिए अधिक पदार्थ का सेवन, बड़ी कमाल की बात है ये, क्योंकि तो जब व्यक्ति पहली बार नशा करता है तो वो पदार्थ लेता है, और अगली बार, क्योंकि उसको वैसा ही मजा चाहिए, वैसा ही आनंद चाहिए, तो शरीर क्या करता है, धीरे धीरे उस पदार्थ के साथ वो एडजस्ट करता चला जाता है, अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। तो वैसा ही मजा लेने के लिए व्यक्ति को पदार्थ की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। उदाहरण के लिए, पहली बार मान लीजिए 5 मिलीग्राम पदार्थ से व्यक्ति को नशा हुआ, अगली बार वैसा ही मजा, वैसा ही नशा 5 मिलीग्राम से नहीं आएगा, क्योंकि शरीर एडजस्ट कर चुका होगा। तो उसके लिए हो सकता है 6 मिलीग्राम, 7 मिलीग्राम चाहिए, उसके बाद 8, उसके बाद 10। प्रभाव व्यक्ति को वैसा ही चाहिए, तो वैसे ही प्रभाव के लिए व्यक्ति क्या करता है, उस पदार्थ की मात्रा बढ़ाता चला जाता है, और जो जो पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी, व्यक्ति की जेब उतनी ही खाली होगी, उतना जल्दी वो बर्बाद होगा। है ना कमाल की बात? उसके बालों से, उसके कपड़ों से अजीब सी एक बदबू आती है, खुशबू मैं नहीं कहूंगा, एक गंध आती रहती है। आप उसके पास खड़े हो जाएंगे तो आपका मन करेगा कि यहां से भाग जाए, भूख नहीं लगेगी। मैंने पहले लक्षण बताया था कि अत्यधिक भोजन करेगा और अनकंट्रोल करेगा, अगर वो करेगा तो ज्यादातर तो उनको भूख लगती ही नहीं है, लॉस ऑफ एपेटाइट, क्योंकि मस्तिष्क के जो रसायन हैं उनमें परिवर्तन कर देता है पदार्थ, और जब परिवर्तन हो जाता है तो भूख लगना लगभग खत्म हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा जो नशेड़ी होते हैं वो बिल्कुल सूखे हुए होते हैं, हड्डियां उनकी दिख रही होती हैं, क्योंकि भूख लगती नहीं, भोजन वो करते नहीं, केवल नशे के पदार्थ वो खाते जाते हैं या इंजेक्शन से लेते जाते हैं, और शरीर फिर कैसे, मसल्स फिर कैसे बनेंगे, आंखें बिल्कुल सुर्ख लाल रहती हैं हमेशा, जैसे ही आप उनको देखेंगे तो सामान्य व्यक्ति तो लगता है एक बार डर ही जाएगा। शरीर का वजन बढ़ना या घटना, बढ़ना तो काफी कम होता है लेकिन घटना बहुत अत्यधिक रूप से, सामान्य रूप से पाया जाता है। भूख नहीं लगती, शरीर के अंदर कोई प्रोटीन, कोई विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स कह लो जाते ही नहीं, जब नहीं जाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे जो इंटरनल सिस्टम है, इंटरनल ऑर्गेन्स हैं, वो सारी की सारी डिटीरियरेट, विकृत होना शुरू हो जाती है। अगर आप किसी नशेड़ी को ध्यान से देखेंगे तो उसके जो अंग हैं वो आपको कांपते हुए दिखाई देंगे, वो पूरा शरीर उसका ऐसे हिलता हुआ दिखाई देगा, ऐसे कंट्रोल नहीं रहता, कंपन पैदा हो जाती है उसके शरीर। और जब वो नशे के पदार्थ को छोड़ता है तो आहरण लक्षण, जिसे हम विड्रोल सिम्टम्स कहते हैं, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। और याद रखना, विड्रोल सिम्टम्स बहुत ही दर्दनाक होते हैं। अब नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के कुछ महत्वपूर्ण संकेतक हैं, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। हम किस आधार पर किसी व्यक्ति को नशेड़ी कहेंगे? नशेड़ी शब्द बुरा लगता है ना, लेकिन जो नशा करने वाला है, अगर उसको बार बार नशेड़ी कहेंगे तो उस पर गुस्सा आएगा, हो सकता है कि वो इस शब्द को सुनकर नशा करना छोड़ ही दे, तो हम नशेड़ी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहली बात, DSM-5 डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल जो APA पब्लिश करता है, उसमें बताया गया है कि मादक द्रव्यों के सेवन को व्यवहार में एक दुर्भाग्यपूर्ण पैटर्न के रूप में परिभाषित किया जाता है।
जो चिकित्सीय रूप से महत्वपूर्ण हानि या परेशानी की ओर व्यक्ति को ले जाते हैं, जो कि 12 महीने की अवधि में निम्नलिखित में से जो चार लक्षण है उनमें कम से कम एक या एक से अधिक व्यक्ति अगर दिखाता है तो हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति नशेड़ी है। कौन कौन से लक्षण है? कार्यस्थल, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो घर हो, परिवार हो या कोई सामाजिक स्थिति है, वहां पर व्यक्ति की जो उत्पादक क्षमता है, उसका व्यवहार है, वो सार्थक रूप से घट जाता है, अपना संपूर्ण वो नहीं दे पाता है। और याद रखना, ये अगर व्यक्ति 12 महीने तक ऐसा कर रहा है, एक साल तक ऐसा कर रहा है, तो हम उसको नशेड़ी की श्रेणी में रख सकते हैं। फिर कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं हमारी जहां पर हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान लगाने की आवश्यकता होती है, जैसे गाड़ी चलाते वक्त, कोई मशीन आपके सामने है उसको ऑपरेट करते वक्त, स्विमिंग करते वक्त। अगर इन स्थितियों में व्यक्ति नशे का पदार्थ लेता है तो समझ लेना कि वो नशेड़ी है। ऐसा व्यवहार करना, ऐसा आचरण करना जिसे समाज और कानून गैर कानूनी समझता है, अगर व्यक्ति गैर कानूनी आचरण करेगा तो उसको पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाएगा। अगर नशे के प्रभाव में व्यक्ति इस प्रकार का काम करता है तो मेरी बात मोहर लगा लें कि वो नशेड़ी ही है। और अंतिम बात करते हैं कि नशीली दवाओं के प्रभाव के कारण परिवार में झगड़ा होना, पारस्परिक जो हमारे रिश्ते हैं वो टूट जाना, वो खराब होना, सामाजिक संबंध टूट जाना, ऐसे लड़ाई झगड़े होना जो कि खतरनाक स्तर तक व्यक्ति को ले जाएं। और ये व्यक्ति अगर लगातार 12 महीने तक करता दिखाई देता है तो समझ लेना कि वो पूर्ण रूप से नशेड़ी हो चुका है। दोस्तों, ये था मादक द्रव्यों का एक छोटा सा परिचय और ये मेरे संदर्भ हैं। अगर आप मादक द्रव्यों का सेवन या सब्सटेंस अब्यूज को आप गहराई से समझना और जानना चाहते हैं तो आप इन रेफरेंसेस को एक बार जरूर देखिए। दोस्तों, वीडियो का प्रेजेंटेशन स्टाइल और कंटेंट्स कैसे लगे? अगर अच्छे लगते हैं तो औरों को बताएं। कुछ कमी लगती है, कोई आपका प्रश्न है, कोई आपकी जिज्ञासा है या मनस्तात्व से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है varmasujit@yahoo.com। आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @RajeshVarma19 और मुझे कू पर भी आप फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर राजेश वर्मा के हैंडल पर। मैं लिंक्डइन पर भी हूं, रेडिट, टम्बलर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पर, इन सभी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के माध्यम से आप मुझ तक पहुंच सकते हैं और मनस्शास्त्र से संबंधित अपनी जिज्ञासाओं का समाधान खोज सकते हैं। अगली वीडियो को आप देखना ना भूलें, वो है नशे के कारण।